गोवा के कृषि मंत्री विजय सरदेसाई द्वारा गोवा आने वाले घरेलू पर्यटकों पर दिए गए विवादास्पद बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि उनके राज्य में हर किसी का स्वागत है, लेकिन वो सड़क पर पेशाब न करे और राज्य के कचरे की समस्या को न बढ़ाए। विजय सरदेसाई ने घरेलू पर्यटकों, खासकर उत्तर भारत और उसमें से भी विशेष रूप से हरियाणा से आने वाले पर्यटकों पर निशाना साधते हुए इन्हें धरती की गंदगी बताया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय पर्यटक गोवा को एक और हरियाणा में बदल देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो तो खराब व्यवहार करने वाले घरेलू पर्यटकों के एक हिस्से के बारे में ये कह रहे थे, न कि सभी के लिए। पारेकर ने कहा कि सरदेसाई के बयान से राज्य के पर्यटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरदेसाई के शब्दों का चयन कटु था, लेकिन इसका आशय हिंसा फैलाने से नहीं था। पारेकर ने संवाददाताओं से कहा, सभी लोगों का स्वागत है, बस एक शर्त है कि वे सड़क पर पेशाब नहीं करें और कचरा न फैलाएं। पारेकर ने सरदेसाई के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे बात की, उनका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन उनका तर्क गलत नहीं था। उन्होंने कहा, सरदेसाई के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने अगले दिन अपनी गलती सुधारी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।